होशंगाबाद जिले के इटारसी थाने में नवागत थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान ने अपनी आमद दे दी है। रामस्नेही चौहान पहले भी इटारसी थाने में पदस्थ रह चुके हैं। इटारसी थाने में थाना प्रभारी का चार्ज लेने के बाद थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान मीडिया से रूबरू हुए। नवागत थाना प्रभारी का कहना है कि सभी को साथ लेकर थाना क्षेत्र की व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौर में सभी को बहुत सतर्कता से रहने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाने पर जोर देने की बात थाना प्रभारी ने कही। अपराध पनपने से पहले ही अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले स्थान पर थाना प्रभारी द्वारा स्वयं पहुंचकर व्यवस्थाएं बनाने की बात भी कही गई है। पूरे नगर में घूमकर उत्तम व्यवस्था बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू होने पर बाजार खुल गया है, उसमें भी व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जाएगा। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मदार साहब आपके ऊपर है, कैसी क्या प्लानिंग रहेगी? इटारसी जैसे आप पूर्व परिचित हैं, अपराधियों का अब जीना मुश्किल हो जाएगा, बताएं सर। आज ही मैंने इटारसी थाना ज्वाइन किया है। सभी नागरिकों से, सभी पत्रकार बंधुओं से और सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम शहर की बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। अभी कोरोना काल से गुजरे, बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि संक्रमण से बचाव हेतु एक अभियान भी चलाएं और साथ साथ जो अपराध पनपेंगे या पनपने की संभावना है उन पर हम नियंत्रण करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, अभी इस महीने में शादियाँ ज़्यादा है, बाजार में बहुत भीड़ है और पुलिस की कुछ व्यवस्था है बाजार में अगर रहेगी तो? शहर में वर्तमान में 5 बीट मोबाइल पेट्रोलिंग लगातार कार्यरत है, 1 थाने की मोबाइल पर 3 सब इंस्पेक्टर लगातार 24 घंटे कार्यरत है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भीड़भाड़ वाले समय पर मैं खुद अपने दल बल के साथ में पूरे शहर में घूमूं और व्यवस्था बनाऊं। सर, इटारसी नगर में यातायात व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अभी लॉकडाउन करंट भीड़ तेज बढ़ गई है, उसके लिए कुछ विशेष उपाय? लॉकडाउन के बाद ये सही है कि हर जगह लॉकडाउन के बाद में एक अचानक ही भीड़ बढ़ी है, इटारसी शहर में भी ये स्वाभाविक है। अब चूँकि नए सिरे से हम लॉकडाउन के बाद में नया ट्रैफिक स्टाफ है, अभी ट्रैफिक में नागेश वर्मा जो सब इंस्पेक्टर, उनकी पोस्टिंग हुई है विगत 2-3 दिन पहले, मैं उनको लेकर उनके साथ रहकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। इसके अलावा सर एक अलग सवाल है आपसे, हालांकि उत्खनन पर रोक लग गई है फिर भी रेत की ट्रालियाँ और डंपर वगैरह देखे जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल ज़रूर, अभी आज रात से कल से ही NGT लागू हुई है, उत्खनन पर प्रतिबंध लगा है। अगर कोई अवैध उत्खनन करते पाया जाता है या परिवहन जैसा मामला आएगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू सर।